शान है भारत का अमीर राज्य भी बिहार के सामने पानी भरते हैं ये एस टॉपर के मामले में। बीमार नंबर एक राज्य है। पिछले 20 वर्षों में बिहार से 5 यूपीएससी टॉपर निकले हैं, यूपी ने भी 5 यूपीएससी टॉपर दिए हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में पहली जगह लाना किसी छात्र की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इस मामले में यूपी भी बीमार के साथ पहले स्थान पर है। बिहार का यह सच्चाई वैसे लोगों की मुंह पर एक तमाचा है जो यहां पर शिक्षा और छात्रों का मजाक उड़ाते हैं। मेट्रो कल्चर वाला देश के आधुनिक राज्य बिहार के सामने फीके पड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं ही बिहार के IAS अधिकारियों का गजल नहीं है। बिहार के छात्र कम संसाधनों के बीच पढ़ते हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा का देश भर में कोई जवाब नहीं है। अमीर सुबह ने सिवान के एक गांव के हाई स्कूल में पढ़ना, पटना विज्ञान कॉलेज पहुंचा। गांव के स्कूल में पढ़े आमिर सुबह की गणित की प्रश्न को चुटकुले में हल किया जाता था। वे पहले बिहारी थे जिन्होंने UPSC में सिविल सेवा की परीक्षा में टॉप किया था। वे अभी तक बिहार से वरिष्ठ अधिकारियों में एक हैं। इसके बाद से बीमार से IAS शीर्षकों की लाइन लग गई। एक नज़र डालो बिहार के IAS शीर्षकों पर। जो UPSC की परीक्षा में पहले पायदान पर 1987 अमीर सुबह 1988, प्रशांत कुमार 1996, सुनील बरनवाल 1997, देवेश कुमार 2001, आलोक रंजन झा। IAS ऑफिसर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2017 में देश भर में IAS अधिकारियों का कुल संख्या 4,926 था। इसमें BA IAS के IAS अधिकारियों का संख्या 462 है। सबसे अधिक IAS देने के मामले में बिहार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है। टैलेंट के मामले में जब बिहार इतने आगे हैं, तो फिर से मजाक क्यों उड़ाया जाता है। दरअसल शहर में चकाचौंध में रहने वाले मेट्रो के लोग बिहार के छात्रों की कामयाबी पर जलते हैं। जब वे बिहारी छात्रों से कम्पीट नहीं थे, तो उन्होंने नकारार्थी बातों से उनकी आलोचना की थी। देश के बड़े शिक्षण संस्थानों में बिहार के छात्र अपनी मर्जी से पढ़ने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन अगर बीमार का कोई परीक्षा या रिजल्ट में कोई गड़बड़ी हो, तो उसके इतने ढिढोरा पीटा जाए जैसे कि बिहार में पढ़ाई का कोई माहौल ही नहीं है। बिहारियों को भैया कहकर चिढ़ाया जाता है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में अंग्रेजों के दिनों से पढ़ाई का माहौल रहा है, लेकिन देश की सर्वोच्च परीक्षा में इन विकसित राज्यों में भी बिहार की बराबरी नहीं कर पाए हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु की जनबूझकर बिहार का गलत चित्र पेश किया जाए। पिछले 30 वर्षों में बिहार में 5 IAS टॉपर दिए। किसी और राज्य में ऐसा दम है क्या?